हमारे देश भारत में लाखों करोड़ों चाहने वाले जैसे ध्रुव राठी का फैन बेस है, उसके लिए अब YouTube खतरे में आ सकता है। किस तरीके से वो मैं बताने जा रहा हूं। भाई पूरा फैन है तो ये पूरा वीडियो देखिए। ध्रुव राठी पहले उतना पॉपुलर नहीं था, 5-6 महीना पहले चुनाव से पहले उन्होंने एक वीडियो निकाला था, द डिक्टेटरशिप में उसके हिंदी होते तानाशाह, वो वीडियो बनाया था। उसके बाद इतना पॉपुलर आया जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज के दौर में भाई इंडिया में सेंसेशन बन चुका है ध्रुव राठी। यूट्यूब के दुनिया में भाई किंग बोला जा रहा है। इतना व्यू, इतना प्रेम और इतना प्यार तो किसी को मिलता ही नहीं है। लेकिन सरकार एक न्यू रूल लाने वाला है तो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं ये सब टारगेट कर रहे हैं ध्रुव राठी को। क्या है वो सब पूरा वीडियो में देखिए, आप सब समझ जाइएगा। चुनाव के टाइम में आप सबको पता होगा इस बार लोग टीवी से ज्यादा यूट्यूब ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा तजब्बो दिया और उससे इन्फ्लुएंस हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस चुनाव में भाई इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का देख के अच्छा लगा या किसी का वीडियो चला है वो है ध्रुव राठी। और उन्होंने क्या बताया, आप सही मेंबर को वोट दे, किस तरीके से क्या करना है, इसी पे पूरा वीडियो बनाया था। और एक दो नहीं, 5-6 वीडियो बनाया था जो इंडिया में सेंसेशन ही ला दिया था। शायद ही इतना प्यार किसी यूट्यूबर को मिला हो। लेकिन अब क्यों मैं बोल रहा हूं उनकी चैनल खतरे में आ सकता है, यह चीज समझिए। सरकार अभी एक ब्रॉडकास्ट बिल लाने जा रहा है। ब्रॉडकास्ट बिल के अंदर पहले हर कोई था, लेकिन वहां पे भाई सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म को दूर रखा गया था और न्यूज को। इसमें क्या बोला गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो बोल रहे हैं वो कहीं पे भी अपनी बात रख सकते हैं, जो मन करे बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है। आज के दौर में बहुत सारे मेंबर बोल रहे हैं ये सिर्फ उस यूट्यूबर को देखते हुए या उस इन्फ्लुएंसर को देखते हुए किया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में किसी माइंडसेट को लाया या किसी माइंडसेट के खिलाफ गया था। तो ऐसा कभी भी चुनाव में ना हो, इसलिए किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। लेकिन रियलिटी क्या है ये चीज समझिए। अब सरकार एक बिल जो लाने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, जो मीडिया खबरों के अनुसार चल रहे हैं उस पर मैं बताता हूं। उसमें चल रहे हैं, आपको जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी वीडियो ला रहे हैं, आपको सरकार को बताना होगा, जो हम इस चैनल पे यूट्यूब नाम से क्रिएट किए हैं और हमारा चैनल इस चीज पे होगा। अभी क्या है, कोई भी चैनल ओपन कर लेते हैं, कोई भी वीडियो बना लेते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट चीज। दूसरा चीज, जो आप वीडियो बना रहे हैं आपको सरकार के या आप अपने बोर्ड मेंबर को रखना होगा, जो 5-6 मेंबर के होंगे उससे सर्टिफाई होना होगा जो ये क्या आपका वीडियो सही है, आप जो दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए सही है कि नहीं है। अगर वो अप्रूवल देगा उसके बाद ही आप अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा चीज, आपको जो एडिटर होंगे उसके लिए भी भाई अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में जो एडिटर होगा उसके भी कुछ रूल नियम होंगे, और वो बिना कुछ किए या कुछ ऐसे चीज नहीं डाल सकता वीडियो में जो उस रूल के खिलाफ होंगे। तो आप समझिए होता क्या है, अभी जो मन में आया आपको अच्छा नहीं लगा उसके खिलाफ उठते हो, जो चीज आपको अच्छा नहीं लगा जैसे लग रहा है जो ये गलत हो सकते हैं बाद में, आप उसके विपक्ष में बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आया तो क्या आप बोल पाओगे, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज इसमें यह है, जैसे अभी कम्युनिटी स्ट्राइक या वीडियो उड़ाने का या यूट्यूब चैनल उड़ाने का, भाई अभी ओनली यूट्यूब के पास है पावर, लेकिन ये बिल आने के बाद आपकी सरकार भी आपकी वीडियो उड़ा सकते हैं। अगर बार बार किए तो भाई आपकी चैनल भी उड़ा सकते हैं, साथ में अच्छा खासा पेनल्टी भी हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये चीज है, देखिए वो बिल अभी तक मैंने पढ़ा नहीं हूं, ये रियलिटी बात बोल रहा हूं, जो मीडिया में चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई ये चीज सही है या गलत है, अब देखो सब लोग क्या बोल रहे हैं। ये सब खास के आ रहे हैं ध्रुव राठी जैसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं या किसी माइंडसेट के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे चैनल को रोकने के लिए।
अब लोग बोलेंगे भाई इससे क्या होगा, धुबराठी का तो चैनल ही उड़ा देंगे। भाई कुछ नहीं होगा, सबसे पहला धुबराठी का चैनल है वो इंडिया बेस नहीं है, वो है जर्मनी बेस। आप उनके चैनल पे जाइएगा, कंट्री आपको दिखेगा जर्मनी, और इंडिया का रोल जर्मनी के चैनल पे लगेगा नहीं, ये चीज हमेशा याद रखिए। दूसरा चीज, जो इंडिया में क्या ही दिखाया जाए वो डिसाइड गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो यूट्यूब एल्गोरिथम देख सकता है। तो ये चीज हो गया। तो भाई आप बोलोगे जो चलो धुबराठी तो भाई इंडिया से बाहर है तो ठीक है, जो इंडिया में है उसके लिए क्या? भाई उसके लिए तो भाई कुछ क्या है नहीं है, वो तो बिल आने के बाद ही पता चल सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या ध्यान रखा जाएगा और किस तरीके से क्या करना चाहिए, वो आने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये खबर कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही ताजा न्यूज चाहिए। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं धुबराठी जैसे भाई, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब बेल आइकन इसलिए दबाइए जो मैं वीडियो डालूंगा ना सबसे पहले आप तक जाए।